नमस्कार, मैं डॉक्टर एच एन व्यास, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के 7th प्रश्न पत्र के अंतर्गत डेविड हार्डिमैन के योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास के अंतर्गत भी अपन डेविड हार्डिमैन के योगदान की बातचीत कर रहे थे। आज अपन देखेंगे कि डेविड हार्डिमैन ने जो अध्ययन किए उसमें ग्रामीण समाज के गुटबाजी की घटना की समीक्षा के उपरांत हार्डिमैन ने गुट की अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में प्रचलित सैद्धांतिक भाषा और संबंधों के संदर्भ में व्याख्या के लिए दो परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया है। पहला, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक और व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य। उन्होंने ऑस्कर लेविस और पॉल ब्रास के विश्लेषण को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक श्रेणी में रखा है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार गुटों को संरचना का एक आवश्यक अंग या हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये सामाजिक संघर्ष की अभिव्यक्ति के साधन का कार्य करते हैं। किंतु संघर्ष को सीमा में रखा जाता है ताकि वे समाज के स्थायित्व को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। अर्थात जो संघर्ष समाज में जब चलता है तो केवल गोल ही नहीं दिखाई देता है, बल्कि संघर्ष समाज के स्थायित्व का भी को भी ध्यान में रखते हुए संघर्ष की बात की जाती है, ताकि वह समाज के स्थायित्व कभी कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेविस और ब्रास ने गुटों को भारतीय समाज के लिए रचनात्मक के साथ साथ विघटनात्मक माना है, किंतु भारतीय राजनीति के इस लोकप्रिय एवं अति सरल दृष्टिकोण को व्यवहारवादियों ने अपने तर्कों द्वारा तराशाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको नीचे गिराने का प्रयास किया। व्यवहारवादियों के अनुसार मानव एक बुद्धिजीवी एवं तार्किक प्राणी है जो राजनीतिक निर्णय विवेक के आधार पर लेता है। यह दृष्टिकोण तथाकथित कुछ मार्क्सवादियों में काफी लोकप्रिय है। यह प्रत्यक्षवादी उपागम से संबंधित एक दृष्टिकोण है। व्यवहारवादियों ने भारत में इसी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है, जिसका एक उदाहरण मेरी केरेस द्वारा महाराष्ट्र में किया गया, उनका एक अध्ययन। हार्डिमैन ने दोनों ही उपागमों के प्रति अपना असंतोष प्रकट करते हुए कहा है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की भांति व्यवहारवादी उपागम के द्वारा भी गुटों के बारे में कोई विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। अपनी चर्चा का समायोजन करते हुए हार्डिमैन कहते हैं कि गुटों के बारे में विभिन्न लेखकों के बीच वैचारिक मतभेदों के होते हुए भी सामान्यतः यह कहा जाता है कि भारतीय राजनीति गुटबाजी से ग्रसित है, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत एक गुटीय समाज है। हार्डिमैन ने भारतीय राजनीति संबंधी एक इस सामान्य दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया है। इस संबंध में हार्डिमैन ने भारतीय राजनीति के बारे में आर कास्टनर 1912 द्वारा उद्धृत एक जिलाधीश के अत्यंत निराशावादी विचारों का भी उल्लेख किया है। यही नहीं, उन्होंने पॉल ब्रास के इन विचारों का भी हवाला दिया है कि भारत की स्थानीय राजनीति में निकट भविष्य में दल पार्टी के विचारों अथवा सिद्धांतों की कभी किसी भूमिका अदा करने की कोई संभावित संभावनाएं प्रतीत नहीं होती, वे प्रतीत होती। हार्डिमैन ने इस प्रकार के सभी निराशावादी विचारों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भारतीय अध्ययनों के लिए इस प्रकार के कोई विचार नए नहीं है। एडवर्ड सेंड ने अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म ने कहा है कि इस प्रकार के दावे पिछली दो शताब्दियों से पश्चिमी समाजों के द्वारा पूर्वी समाजों के बारे में सामान्य रूप से किए जाते रहे हैं। इस प्रकार का प्राच्यवाद पूर्व और पूर्वी लोगों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाओं से ग्रसित है। इस प्रकार यह भी कहा जा गया है कि एशियाई लोग अपना संपूर्ण जीवन अविवेकी रूप से आपस में लड़ते भिड़ने में गुजार देते। भारतीय राजनीति विशेष गुट
राजनीति पर लिखने वाले सभी लेखक ये नहीं मानते हैं कि भारतीय अविवेकी या नासमझ होते हैं, फिर भी अधिकांश लेखकों ने इस मत से अपनी सहमति जताई है। भारत एक गुटीय झगड़ालु समाज है, किंतु गुटबाजी के कारणों के बारे में ऐसे व्यक्तियों में भी व्यापक मतभेद है। भारतीय ग्रामीण समाज में गुटों या गुटबाजी के होने का क्या कारण है? इस प्रश्न के उत्तर में हार्डीमैन ने कुछ शीर्षस्थ राजनीति विज्ञानियों के विचारों को उद्धृत किया है। माइरन विनर मानते हैं कि गुट नेता प्रमुख भारत की सुस्त नौकरशाही से काम करवाने में सिद्धहस्त होते हैं, अतः उनकी आवश्यकता होती है। पॉल ब्रास का कहना है कि भारत में प्रजातंत्र के विकास में गुटबाजी एक संक्रमणकालीन अवस्था है। हार्डीमैन निष्कर्ष तय कहते हैं कि शायद बुराइयों के बावजूद भारतीय गुटबाजी में प्रगति एक शक्ति नजर आती है। फिर भी हार्डीमैन का विचार है कि गुटबाजी को वर्गों के बीच संघर्ष की अपेक्षा भारतीय राजनीतिक जीवन में केंद्रीय महत्व दिए जाने के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। अतः वृहत भारतीय गुट की अवधारणा कुछ कुछ निराधार प्रतीत होती है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय राजनीति और इतिहास के विश्लेषण में इसका कोई महत्व नहीं है। इनका अवश्य महत्व है। यदि हम गुट फ्रैक्शंस की अवधारणा का प्रयोग ऐसे राजनीतिक धड़ों क्लिक्स तक सीमित रखते हैं जो शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में झगड़ते हैं और जिसके सदस्यों को मोटे रूप में समान वर्ग हित होते हैं, इन राजनीतिक गुटों के अखिल भारतीय या प्रांतीय स्तर और ग्रामीण स्तर के संघर्ष समूहों के बीच कोई प्रत्यक्ष एवं रेखीय संबंध नहीं होते। गुट और गुटबाजी संबंधी सारी चर्चा का समाहार करते हुए हार्डीमैन कहते हैं कि गुट की अवधारणा उपनिवेशी और नव उपनिवेशी शासकों और शक्तियों की देन है, जिनकी रुचि भारत पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में रही है। गुट के स्थान पर वर्ग की अवधारणा अधिक व्यापक, सशक्त और प्रभावशाली है, जिसके माध्यम से भारत की राजनीति का अधिक सक्षम ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वर्ग सहयोग के आधारों पर खोजबीन की जाए। वर्ग सहयोग तब होता है जब अधीनस्थ वर्ग, दबे कुचले लोग के सदस्य ये अनुभव करते हो कि उच्च वर्ग के सदस्यों के साथ सहयोग करना उन्हीं के सर्वाधिक हित में है और ये आर्थिक संबंधों अथवा जाति और नातेदारी की संबंधों के कारण ही अधिक होता है। दबे कुचले अधीनस्थों समूह की उभरती हुई चेतना को उजागर करने के लिए हार्डीमैन ने ग्रामीण समुदायों की गुटबाजी के अध्ययन के अतिरिक्त आदिवासियों के सुधार आंदोलन का भी अध्ययन किया। इस संदर्भ में सर्वप्रथम उन्होंने श्रीनिवास की संस्कृतिकरण और एथनी बैलेंस 1956 की पुनर्जीवन रिवाइटलाइजेशन की दोनों अवधारणाओं का अपने क्षेत्र अध्ययन में परीक्षण कर उनकी कमियों और सीमाओं को इंगित किया। इसके अतिरिक्त हार्डीमैन ने इन आंदोलनों की व्याख्या के लिए एक और ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग की संभावना को टटोला है। तो दूसरी ओर उन्होंने मूल्य व्यवस्था के को शक्ति संबंधों के साथ जोड़कर इन आंदोलनों की व्याख्या की है। यही नहीं, उन्होंने इस प्रकार के सुधार आंदोलनों की सीमाओं का भी उल्लेख किया है। हार्डीमैन ने अपने इस अध्ययन के लिए गुजरात के रानी महल क्षेत्र के आदिवासियों की एक देवी सालाबाई आंदोलन का विश्लेषण किया। यही आंदोलन मुख्यतः देवी आत्मा के आह्वान के माध्यम से आदिवासियों की खान पान, मांस मदिरा वर्जित, उनके रहन सहन की आदतों, रोजाना नहाना, मकान आदि की साफ सफाई करना, आर्थिक समृद्धि, कर्ज से मुक्ति और कर्ज नहीं लेना, धर्म परिवर्तन वर्जित, ईसाई या मुस्लिम धर्म में परिवर्तन संबंधी व्यापक सांस्कृतिक सुधारों पर प्रकाश डालता है। हार्डीमैन ने इस संबंध में सर्वप्रथम श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणाओं को इस आंदोलन पर परीक्षण कर उसे अपर्याप्त माना है। उन्होंने कहा है कि अवधारणा को इस आंदोलन पर परीक्षण कर उसे अपर्याप्त माना है। उन्होंने कहा कि यह अवधारणा
इस सुधारवादी आंदोलन की व्याख्या करने में उपयुक्त नहीं है। यद्यपि श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा के घेरे में जनजातियों को भी सम्मिलित किया है, हार्डीमैन ने इस संदर्भ में ऐसी राय द्वारा अध्ययन की गई उराव जनजाति का उदाहरण देते हुए संस्कृतिकरण की सीमाओं का उल्लेख किया है। यही नहीं, उन्होंने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए लुई ड्यूमो द्वारा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की आलोचना को भी उद्धृत किया है। हार्डीमैन ने इस आंदोलन की व्याख्या के लिए एक विकल्प के तौर पर ऐतिहासिक एवं द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को जनजातियों और हिंदू समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया से उत्पन्न नए प्रकार के समन्वय की संभावनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। वे कहते हैं कि जब जनजातीय और गैर जनजातीय लोगों के बीच परस्पर विरोध कंट्राडिक्शन अधिक तीव्र रूप धारण कर लेता है, तब यह समन्वय के मार्ग को प्रशस्त करता है। साक्ष्य बताते हैं कि इस प्रकार के आदिवासी आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंतिम काल में विस्तृत स्तर पर कई स्थानों पर शुरू हुए थे और आज तक चल रहे हैं। पहले के आंदोलन काफी सीमा तक भारतीय जीवन की मुख्य धारा से अलग थलग थे, किंतु ब्रिटिश सरकार के भारत में आने के बाद इन आंदोलनों में बदलाव आया और इन आंदोलनों में से ही आदिवासी सुधारवादियों का उदय हुआ, जिन्होंने सांस्कृतिक समन्वय को प्रेरित किया। इस समन्वय की प्रेरणा के पीछे उनका उद्देश्य एक नए समाज की रचना को प्रोत्साहित करने में सहायता करना था। ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक व्याख्या के अतिरिक्त इन आंदोलनों की व्याख्या के लिए पुनरुज्जीवन रिवाइटलाइजेशन की अवधारणा का भी प्रयोग किया गया। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन एंथोनी वेलेस 1956 ने किया और भारत में इसका प्रयोग एडवर्ड जे 1959 में किया। एडवर्ड ने जे पुनर्जीवन आंदोलन की चार मुख्य विशेषताएं बताई। पहला, ये आंदोलन समूह एकजुटता और सामाजिक एकता को अभिव्यक्त करते हैं। ये एक नवीन नैतिक व्यवस्था की स्थापना को प्रकट करते हैं। ये पर संस्कृतिकरण के रूप में महत और लघु परंपराओं के बीच अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं और चौथा, एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की संरचना की स्थापना में सहायता करते हैं। एडवर्ड जे के अनुसार भारत में दो आधारभूत प्रकार के पुनर्जीवित आंदोलन चल रहे हैं, पहला विरोधात्मक और दूसरा अनुकरणात्मक। बिना आंदोलन विरोधात्मक और ताना भगत या देवी आंदोलन अनुकरणात्मक प्रकार से पुनर्जीवन आंदोलन के उदाहरण है। हार्डीमैन ने श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा की भांति पुनरुज्जीवन की अवधारणा की भी कई कमियां और कमजोरियां बताते हुए इन अवधारणाओं को सुधार आंदोलन की व्याख्या के लिए अपर्याप्त बताया। हार्डीमैन के अनुसार इन आंदोलनों की व्याख्या का सर्वाधिक उपयुक्त उपागम यह हो सकता है कि उन्हें शक्ति के साथ मूल्यों को जोड़कर देखा जाना चाहिए, अर्थात जिन लोगों के पास शक्ति है अधीनस्थ लोग उनके मूल्यों को अंगीकार करते हैं। आदिवासियों के इन व्यक्तियों के मूल्यों को अपनाया जिनके पास राजनीतिक शक्ति थी। मूल्यों में वह शक्ति होती है कि प्रभु वर्ग द्वारा न्यूनतम शारीरिक बल प्रयोग के बिना ही अधीनस्थ वर्गों को उनके अधीन कर देती है। उदाहरण, ब्राह्मणों में सुचिता के मूल्य ने भारत में अशुद्ध माने जाने वाले अधीनस्थ वर्ग पर नियंत्रण करने का उन्हें सर्वाधिक शक्तिशाली साधन उपलब्ध किया, किंतु इन मूल्यों के प्रजातांत्रिकरण के अब अशुद्ध कहे जाने वाले लोगों पर ब्राह्मणों के प्रभुत्व के इस अधिकार को छीन लिया। अतः विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के शुरू हुए आंदोलन की तार्किकता के मूल्य व्यवस्था के साथ शक्ति संबंधों को जोड़कर देखा जाना आवश्यक है। वास्तव में गुजरात के इस देवी आंदोलन की दक्षिणी गुजरात के आदिवासियों और उनके शोषणकर्ताओं पारसी व्यापारियों के बीच संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। फारसी लोग इन क्षेत्रों में जमींदारों के साथ साथ शराब बनाने और बेचने वाले व्यापारी के रूप में कार्यरत थे। यही लोग आदिवासियों को शराब बेचकर अपने खेतों पर काम के बदले कम मजदूरी देकर कई अन्य रूप में उनका शोषण करते थे। ये देवी आंदोलन परोक्ष रूप में इन बुराइयों पर प्रहार करने वाला था, जिसके कारण फारसी जमींदारों और शराब बेचने वालों की स्थिति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। परिणामतः इनमें संघर्ष की शुरुआत हुई। इस अवधि में आदिवासियों में धनाढ्य कृषकों को एक वर्ग का उदय हुआ। देवी आंदोलन ने इस प्रक्रिया को तीव्र बना दिया, क्योंकि इसके द्वारा आदिवासियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ गुजरात समाज में सम्मान भी मिला। धीरे धीरे पारसियों का पतन हो गया और आदिवासियों के ही नव धनाढ्य
ने पारसियों का स्थान लेकर गरीब आदिवासियों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार शोषण के अनेक रूप का सूत्रपात हुआ, किंतु जमींदारों, सूदखोरों और शराब व्यापारियों के विरोध में अपनी पहचान स्थापित करने के रूप में यह आंदोलन काफी सफल रहा। इस आंदोलन के द्वारा इस बात स्पष्ट उजागर हुई कि सांस्कृतिक सुधार की किसी भी आंदोलन की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है, सीमाएं होती है। हार्डीमैन ने अपने एक अध्ययन में फीडिंग द बनिया में गुजरात की सूदखोरों बनियों के संरक्षण में पलने वाले आदिवासी किसानों का अध्ययन भी किया। उन्होंने लिखा कि सूदखोर बनिया अकाल, दुकाल और आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आश्रय देता है, उनका संरक्षण करता है, उन्हें कर्ज देकर जिंदा रखता है ताकि बनिए को जीवन भर ब्याज देता रहे और बनियों को मालामाल करता रहे। यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और गरीब किसान इस चक्र में कभी मुक्त नहीं हो पाते। बंधक किसान की पराधीनता ही उसकी नियति है। गुटबाजी, दलबंदी, राजनीति और सुधार आंदोलनों की हार्डीमैन के उपरोक्त समस्त विश्लेषण पर मार्क्सवादी सोच की स्पष्ट छाया नजर आती है। उन्होंने भारत की ग्रामीण गुटबाजी और आदिवासी सुधार आंदोलन की व्याख्या वर्ग संघर्ष और शक्ति संबंधों के संदर्भ में कर भारत के दलित वर्गों के विश्लेषण को एक नया आयाम दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात 1981 और नेक्स्ट है फीडिंग द बनियाज। इनकी इस प्रकार की कृतियां रही हैं। धन्यवाद। कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।